कहीं भी पाखंड को देखो साथी ठोकर के सामने आ जाओ, नहीं भाई समाज से पाखंड नहीं होने देंगे। जब जिस पाखंड को मना किया था हम भी पाखंड का विरोध करते हैं, लेकिन केवल की विष्णु भगवान की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की सुख शांति आनंद रहे। परमपिता परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, घट घट के वासी सच्चे स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए परम सम्मानित मंच विशेष सम्मानित सर्वगण एवं व्यासपीठ परमात्मा की महती कृपा से संतों के प्रयास से लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम आपके सामने है। अकेले संत भी कुछ नहीं कर सकते तो अकेले भगत भी कुछ नहीं कर सकते। भगत सेवक करते हैं संतों की प्रेरणा से और संत इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं शास्त्री बलदेव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने थोड़े समय में प्रयास करके आपके लोगों के सहयोग से इस सुंदर स्थान का निर्माण किया और ये आगे इसका और भी भव्य रूप बनेगा। संतों के लिए स्थान, भक्तों के लिए स्थान, रहने की जगह, मुकाम में कोई भी व्यक्ति आ तो जाता है लेकिन रुकने की जगह नहीं होने की वजह से परेशानी मिलती है। अब यहां हजारों आदमी रुकेंगे तो उनको सुविधा मिलेगी। एक मेरा निवेदन है कि लोग कहते हैं कि महाराज कह करे, महाराज कह करे, महाराज इस प्रकार के काम करें। पैसे तो लोगों के पास में है लेकिन पैसे लगाने वाले चाहिए। कोई लगाते हैं तो पैसे देते हैं लोग, और लगाते हैं तो पैसों का सदुपयोग होता है। इसलिए आप लोगों का भी धन्यवाद, स्वामी जी का भी धन्यवाद। परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि इनकी बुद्धि ठीक रहे, भाव ठीक रहे, विचार ठीक रहे और काम को आगे बढ़ाते रहे। बोलो गुरु सोमेश्वर भगवान की जय। हम सभी लोग मुकाम से जुड़े हुए हैं। समरासल धोरा विष्णु समाज का जन्म स्थान है। विष्णु समाज का जन्म इसी समरासल धोरे पर हुआ। जहां हम मुकाम आते हैं तो समरासल भी जाते हैं। प्रतिवर्ष साल में एक बार दो बार, कई कई लोग बारह बार अभी आते हैं। कई मुकाम के लोग हैं वो प्रतिदिन भी जाते हैं। आना और जाना लगा ही रहता है लेकिन एक बात ध्यान दे के सुनने की है, हम यदि भगवान श्री राम जी को समर्पित हो जाएं तो हमारे जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितने भी दुख और द्वंद है वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। करना नहीं पड़ता, केवल शरण जाने की जरूरत है। हम मुकाम जरूर आते हैं लेकिन केवल मुकाम से काम नहीं चलाते, आगे भी जाते हैं। मुकाम से आगे जाओगे फिर जाओ मुझे काम आपका क्यों करेंगे। एक आदमी कोई काम कराने के लिए जाता है बड़े अफसर के पास में, कहा अफसर से तुम से मिलना, हाँ पहले सपड़ा सी मिल रहा, पहले की तीसरे में मिलना, सोते में मिलना ही पर भटकता रहे। तो बड़े अफसर उठा पर जी वो काम करे कोई, ये हाल भी हमारा है। मुकाम जरूर आते हैं लेकिन भाना जाम्बे जी का जाते और जगह है। इस प्रकार की ये दुविधा वृत्ति है ना, ये हमें सुखी नहीं होने देती। कई लोग बात करते हैं कि संत बड़े सुखी हैं, बड़ी मौज करते हैं। मैं उनको कहता हूं कि संत केवल जाम्बे जी की पूजा करते हैं, जाम्बे जी की बात मानते हैं, इस वजह से मौज करते हैं। तुम भी संतों की तरह एकाग्र वृत्ति से एक साझे सब सजे सब साझे जब जाए इस प्रकार की वृत्ति बना करके एक भगवान श्री जाम्बे जी की बात माननी शुरू कर दोगे तो आपके जीवन में भी कोई प्रकार की कमी नहीं रहे। कमी तो है भी नहीं लेकिन किंतु परंतु कोई थोड़ी बहुत बात है वो भी दूर हो जाएगी। जाम्बे जी विष्णु समाज पर बड़े मेहरबान हैं।
बड़ी कृपा है। आप लोग गाड़ियों में बैठ करके सड़कों पर चलते हैं तो कहीं एवड़ को देखा है? एवड़ सड़क पर होता है, उसके पीछे एक आदमी होता है, इधर से गाड़ी आ गई, इधर से गाड़ी आ गई, वो बेचारा परेशान होता है। इस प्रकार दिन भर उसको ऐसे ही करना पड़ता है। एक बोतल में गर्म पानी, एक लकड़ी, मुंह की भुआ उड़ी हुई है, रेवड़ की खंख से पूरा शरीर सना हुआ है, उसका कोई जीवन है क्या? आपने देखा होगा, जाओ जिन कृपा करके एवड़ से पीछे छोड़ाया, आप किसी को एवड़ नहीं चराना पड़ता। गज्जे पर भार डाल करके कहीं भी जाना नहीं पड़ता, और चिलम पीने की प्रवृत्ति थी वो विष्णु बनने के बाद बंद हो गई, होका पीने की प्रवृत्ति थी वो बंद हो गई। एक आदमी मेरे को फोन किया कि महाराज थे बात करो बीड़ी की सिगरेट की, लोग जो चिलम होका पीने लग गया। तो एक जोखा हाथ में होका, होका बड़ा खतरनाक है, और बीते दिन कहा कि होके पानी आग कदे नहीं दीजिए, होके पीने वाले को तो पानी और आग भी नहीं देना चाहिए, और अमल तमाकू भांग नाम भूलने लीजिए, ये जामुजी की बात है। और यह विधि धर्म सुना के किए कमल किरतार, अंधन लक्ष्मी रूप गुण और मुआ मोक्ष द्वार। इस विधि से धर्म सुना करके परमात्मा ने कवल किया है, अन्न की धन की रूप की गुण की कमी नहीं रहेगी, और मरने के बाद मोक्ष मिलेगी, घाटो भूख कुरूप कदे नहीं आवे। इसलिए मैं आप लोगों से आज यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप केवल और केवल और केवल और केवल जामु जी की बात मानो, और जामु जी जैसा कहा है वैसा करोगे तो आप जो चाहोगे वो मिलेगा। संसार में रहो तब तक मौज करोगे, और संसार को छोड़ करके जाओ तो परमात्मा का धाम मिलेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम है। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करना चाहते हो तो केवल जामु जी की बात मानो, एरु गेरु नचो घेरु का चक्कर छोड़ो, और भगवान को छोड़कर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए लोगों से निवेदन है, और सभी प्रयास करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन आप लोगों को न जाने क्या भूख जगी है, कोई कहीं भटक रहे हैं, कोई कहीं भटक रहे हैं, कोई कहीं भटक रहे हैं। कई माइयें भोपी हो गई, उनको बुलाते हैं, थालियों में पैर मंडाते हैं, घर में कुंकू का पगलिया करते हैं, रेजा बिछाते हैं, ऊपर फूल बरसाते हैं, कमर ढुलाते हैं, ठीक है भला होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की जो पाखंड की प्रवृत्ति है वो जामुचित मना की ही। इसलिए आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और जहां कहीं भी पाखंड को देखो साथी ठोक करके सामने आ जाओ, नहीं भाई समाज में पाखंड नहीं होने देंगे। जामुचित पाखंड को मना किया था, हम भी पाखंड का विरोध करते हैं, लेकिन केवल हम विरोध करने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को भी सामने आना पड़ेगा। और पाखंडी समाज का बहुत बड़ा शोषण करता है, कमजोर लोगों का बड़ा भारी शोषण होता है, बड़ी लूट होती है, इसलिए पाखंडियों से बचो और पाखंडियों से बचाओ, और जामु जी की बात मानो। गुरु महाराज का हाथ निबंध मर्ग शब्द में कह सतगुरु भूल मत जाइयो परोला वे दोष की। ऐसे ऐसे लोग आएंगे, काट के घोड़े नरजीव थे सरजीव करसी, ताने दाल सरासी, अदरासन मांड बेसला हुआ बड़ा असासी, आप थापीर महापापी। ऐसे ऐसे लोग आएंगे और तुम्हें गुमराह करेंगे, लेकिन उनकी बात के चक्कर में मत आ जाना, मेरी बात को भूल गए तो सीधे नरक में जाओगे। इसलिए जामु जी जैसा पंथ इस विश्व में और मैंने कहीं नहीं देखा है, अद्वितीय पंथ है। इस पंथ को मानते हुए, पंथ पर चलते हुए, जामु जी की आज्ञा मानते हुए जीवन को यापन करना चाहिए। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।